लेफ्ट साइड से आ रही है, ये लेफ्ट के बजाय राइट से आ रही है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सर्कुलेशन में घूम रहा है, डीऑक्सीजनेटेड अलग घूम रहा है सारी बॉडी में, उससे बच्चा फ्ली हो जाता है, तो उससे लाइफ चल नहीं सकती। तो सबसे पहले ये करना पड़ता है कि ये जो दोनों अपर चैम्बर है इसके अंदर बीच में एक होल करके लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक बलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी प्रोसीजर होता है, BAS बोलते हैं उसको, बलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। उससे दोनों साइड के ब्लड का मिक्सचर करते हैं, हार्ट में चेक करते हैं। पूरा अशुद्ध खून शरीर में जाने की जगह मिक्सचर हो जाए, कुछ तो ऑक्सीजन चली तो ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी करने में फिर इनको करेक्ट चैम्बर से जोड़ा जाता है। ये सर अब ये ऑपरेशन हो गया, मतलब ये बहुत पहले हो गया है ना, अभी बच्ची नॉर्मल दिख रही है, आज छुट्टी है। तो ये कब हो गया, कितने दिन पहले हुआ? 17 तारीख को। ठीक है, तो वो ग्रेजुअली शी इज ओके नाउ, अभी अच्छा, मतलब लाइफ टाइम और मेडिकेशन वगैरह पे रहने की जरूरत है? शुरू में कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, पर लगभग 2-3 महीने के बाद सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अच्छा, और अच्छा सामान, मतलब सामान जो स्पोर्ट्स वगैरह या कोई भी चीज़, सब कुछ कर सकता है वो, खिलाड़ी बन सकता है वो, बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ। यदि ऑपरेशन नहीं होता